नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देवभूमि लाइव। उत्तराखंड में 15 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। हल्द्वानी गोलापार के मोनसिंह पूरन सिंह इंटर कॉलेज में भी वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर वैक्सीन लगाने के बाद खुशी दिखाई दी। साथ ही बच्चों ने यह भी कहा कि हमें कोविड-19 से जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर कोविड-19 के मामले देश प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर हमेशा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोविड-19 को रोका जा सके। कॉलेज में 327 लोगों का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 102 लोगों बच्चों को भी लग चुकी है और अभी लगी रही हैं। शाम तक शायद लक्ष्य पूरा हो जाए। लगभग सारे लड़के बहुत उत्साहित हैं लगाने के लिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं आया जिसने मना किया हो वैक्सीन लगाने से। में वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी संख्या में वैक्सीन लगा रहे हैं, और ये वैक्सीन 15 से एवब एंड 18 ईयर्स से नीचे को लग रही है, और हमने भी वैक्सीनेशन अभी लगाई तो हमें अच्छा फील हो रहा है। और लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं, और ताकि खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ। वैक्सीन का शिविर लगा हुआ है, ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। आज ही के दिन ये कई स्कूलों में इसका शिविर लगा हुआ है। कुछ समय बाद सभी बच्चों का टीकाकरण हो जाएगा और फिर हम इस कोरोना से बच सकते हैं। इससे हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके प्रति सावधानियां बरतनी होंगी। तो भी हमारी यही अपील है कि जैसे अपने बच्चों को भेजें स्कूलों में टीकाकरण के लिए, क्योंकि टीकाकरण करना बहुत जरूरी है हर एक जन के लिए। जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर देवभूमि लाइव।